हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्ते, बोलिए। सर लास्ट वीक मैंने ट्वीट किया था ना कि इसकी जो थर्ड आई है वो फर्स्ट डे ही ओपन हो गई थी। अच्छा, ओके ओके। बीच में हाँ इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया था इसने, अब दोबारा कर रहा है। कृषि वेरी गुड वेरी गुड। इधर आ, चल दिया। तो ये है अच्छा सर बेटा। अच्छा हेलो बेटा। हाँ नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। आपका नाम क्या क्या है कर रहे बताओ? हैं? कृषि। क्या क्या नाम है? पीयूष चौहान। पीयूष। पीयूष 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 पीयूष, ओके वेरी गुड। सो आपको कितने दिन हो गए बेटा? हाउ मेनी वीडियो आपने देखे हैं? वीडियोस कितने देखे ट्वेंटी हैं अभी नाइन तक? हो गया सर इसको। 29 29। वेरी गुड वेरी गुड। अभी क्या क्या आता है आपको ये बताइए, आफ्टर सर। 29 वीडियोस क्या क्या कर लेता है? यस पीयूष, मैं ब्लाइंड रीडिंग कर लेता हूँ। ब्लाइंड रीडिंग कर लेते हो, वेरी गुड। ब्लाइंड आंखें बंद रीडिंग करके? हाँ, बट स्मेल ब्लाइंड, करके चीजें सर्च कर लेता है। वेरी गुड। बॉटल है, ढूंढता है आप? हाँ, ढूंढ लेता है। वेरी गुड वेरी गुड। और अफर्मेशंस बोलता है सर? अफर्मेशंस यानी हाँ पॉजिटिव सर, वाक्य बोलता है। जी जी वेरी गुड वेरी गुड। एक सर। वाक्य उनको, मोबाइल वेरी एडिक्शन, तो इसका मोबाइल एडिक्शन जो है इसका 60% कम हो गया है। गुड। इनके लिए जोरदार क्लैप बजाइए पीयूष के लिए। वाह 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 वाह, मोबाइल उसने 60% कम किया है। यानी कैसे था सर, एक बार एक्सपीरियंस बताइए ना, मोबाइल कैसे खेलता था और आज क्या है? बताइए। अब सर उतनी वो नहीं करता जिद मोबाइल के लिए। बीच बीच में मोबाइल के मांगता लिए है बट उतना रेगुलर नहीं मांगता। अब वेरी गुड वेरी गुड। चीजें आपको बदलाव दिखेगी डेली प्रैक्टिस से। ओके अफर्मेशन से मैं अभी इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। ओके, कैसे आप जी अपने बच्चों को जल्दी बदलाव लाने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, की पॉइंट है वो आपको करने हैं। अभी हाँ प्रैक्टिस जी के लिए तंग करता है या कभी खुद कर लेता है, कैसा है? ठीक है सर। प्रैक्टिस अब खुद करने लग गया। करने लगा। ओके, हाँ शुरू सर, में मतलब दिक्कतें आई, सेल्फ मोड में आ प्रॉब्लम्स चुका है आई? अब। ओके, पहले प्रॉब्लम आई थी यानी कर हाँ, नहीं रहा स्टार्टिंग में था आई थी ऐसे। सर, पर बीच में इसका इंटरेस्ट बिल्कुल कम हो गया था। इवन कि नेक्स्ट ओके वीक भी हाँ मैंने बोला था आपको कि अब कहना नहीं हाँ मानता, बट आ गया, ओके, ट्रैक पे आ अभी गया। अभी ट्रैक पे आ गए। होता है, अप एंड डाउन होता है, जी लेकिन जी मैं आपको बताऊं एक चीज, मैं आपको अनुभव शेयर करता हूं मेरी तरफ से। ओके, जो बच्चे मेडिटेशन करते हैं, जो बच्चे ध्यान करते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी एनर्जी रिसीव की है, वो अगर ऐसे, वो क्या होता है ना, एनर्जी आती है नींद में, एनर्जी दिन भर आती है। अगर इस एनर्जी से आपको पीछे हट गए, बाहर हट गए, तो वो फिर से आपको लाके देता है, वहां पे छोड़ देता है। क्यों, ये क्या होता है सर, क्या चीज है, क्या पावर है? क्योंकि मेडिटेशन इज पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा। हमारे शरीर को चाहिए ऊर्जा, ये एनर्जी आती है मेडिटेशन में ज्यादा, और इस एनर्जी को लोग भगवान कहते हैं, हम इसको अल्लाह कहते हैं, जीसस कहते हैं। इसी एनर्जी को भगवान, यानी ऐसे कुछ अलग नहीं है, इट इज एनर्जी ओनली। ओके, जिन्होंने ज्यादा ली है उनको हम भगवान का स्वरूप मानते हैं, जिन्होंने बहुत मेडिटेशन करके बहुत ज्यादा ली है, अल्टीमेटली वो भी भगवान और बड़े भगवान यानी हायर एनर्जी का ध्यान, और वो ज्यादा रिसीव करते थे। ठीक है, सो एनर्जी आपके जीवन में आ गई है, तो आप अगर बाहर जाओगे तो फिर से आपको लेगी। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है बॉटल का ढूंढना। अपने सर, अभी आप अनम्यूट ही हो, सॉरी, अभी आप, आपकी आवाज आ रही है सर? हाय बोलिए सर। हाय, अभी आप, हाँ सर, आ रही है। वेरी गुड वेरी गुड। अभी एक मैं चीज बताना चाहूंगा सर, आपने जब डेमोन्स्ट्रेशन लिया था, एक चीज की थी बॉटल ढूंढने की, जब बॉटल ढूंढ रहा था, तो एक, जी सभी ने प्रयोग करना है, सभी ने, इसके बाद जो भी नए बच्चे हैं उन्होंने भी करना है। बच्चों के हाथ में बॉटल देनी है, बॉटल, बच्चा आंखें बंद करके, क्या के हाथ में बॉटल देनी है, बच्चे को बोलना है कि बेटा बॉटल देख, आंखें बंद करके बॉटल को विजुअलाइज करेगा, आंखें बंद करके देखेगा। अगर उसको नहीं तो उसको बोटल बॉटल बोलो और कल्पना करो, आपने बहुत बार देखी है वो बॉटल। ओके, उसको एक बार पट्टी खोल के भी दिखा सकते हो, ये बॉटल है, आंखें बंद करके उसको बोलो दिख रही है क्या, विजुअलाइज हो रही है, कल्पना करो, सीली नहीं दिख रहे तो सीली इमेजिन करो, बॉटल है हाथ में। ओके, चाहे तो उसका स्मेल लो, रेड है तो रोज आएगा, ग्रीन है तो ग्रास आएगा, या फिर ऑरेंज है तो ऑरेंज फ्रूट आएगा, स्मेल क्या आ रही है ये कीजिए। और बाद में क्या, कि जो बॉटल को छुपाना है, छुपाना यानी पहले नया है बच्चा तो खुले जगह पे छुपाइए, जैसे कि आंखों से दिख सके।
बाद में आप हाइड भी कर सकते हो, जैसे बैग के अंदर, टेबल के अंदर, बॉक्स के अंदर रख सकते हो, लेकिन शुरू के समय पे खुले जगह पे रखिए, और फिर खुले जगह पे उसके आंखों पे पट्टी रहेगी। बच्चे को बोलने के लिए कहिए बॉटल बॉटल बॉटल, बच्चा ढूंढेगा। और बच्चे को बोलो बेटा आपको जो है स्मेल आएगी या रेड पैच दिखेगा, यहाँ पे जहाँ पे बॉटल है वहां पे आपको ऐसे डॉट 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 दिखेगा, वहां पे ढूंढो, या फिर आपको कोई धक्का देगा, पुश करेगा, ऐसे कुछ। ओके सो पीयूष है, उसने किया होगा ये प्रोसेस। ओके आप सुन पा रहे हो बेटा पीयूष? यस सर। ओके जब आपके हाथ में बॉटल दिया जाता है, आप जब पापा छुपाते हैं और उसके बाद आपको ढूंढने के लिए कहते हैं, तो उस समय पे आपको कैसे पता चलता है कि बॉटल वहां पे है? आपको क्या महसूस होता है? स्मेल से होता है, स्मेल यानी आपको खुशबू आती है, बॉटल की खुशबू आती है। वेरी गुड। आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपको पुश करता है कोई, बॉडी के ऊपर धक्का देता है, ऐसा भी अनुभव आया है कोई अभी अभी मैं कहता हूं, जब आप अगली बार जब बॉटल ढूंढोगे ना, ओके सभी बच्चा सभी, अगली बार जब बॉटल ढूंढोगे तो महसूस करो कि बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है, हमारे शरीर के ऊपर। सभी को मैं कहता हूं आपको बॉटल 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 आंखें बंद करके ढूंढते समय क्या बोलना है, बॉटल 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 बॉटल। आपको ऐसा महसूस होगा कोई तो भी पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, ठीक है? बस धक्के को महसूस करो, ओके उस पुश को महसूस करो। स्मेल भी एक पावर है कि सभी बच्चे जब एक्सपीरियंस लेंगे, जब बच्चा धक्का महसूस करता है, सुनिए उस धक्का का जो महत्व है वो ये है कि आपके बच्चे को एक धक्का है, एक पुश है या ये स्मेल है, जहां पे बॉटल है वहां पे वो आता है। उदाहरण जो धक्का मैंने कहा ना, ज्यादातर धक्का बोलते हैं बच्चे, शायद ये मेंशन वीडियो में पता नहीं मैंने किया होगा या नहीं, या बच्चे ने ध्यान नहीं दिया होगा। सो ज्यादातर बच्चे का जो ज्यादा अनुभव आता है वो है टच फीलिंग का, एंड दैट इज पुश करना। जहां पे बॉटल होती है ना, मैंने ये प्रयोग बहुत बार किया है लाइव सेशन में, हर एक पेरेंट्स को दिखाता हूँ, देखिए आपका बच्चा आंखों पे पट्टी और बॉटल ढूंढ रहा है। और एक ऐसे में प्रयोग कर करके कर करके ऐसी एक सिचुएशन थी कि बॉटल जो है ना मैं बैग के अंदर या फिर बाथरूम के ऊपर या फिर कोई रूम के अंदर छुपाता था, तो भी बच्चा ढूंढ लेता था। और बच्चा बोलता था सर मुझे कोई तो भी धक्का दे रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, कोई तो भी पुश कर रहा है। तो ये पुशनेस आपके बच्चे को एक इंटेंसिटी है, एक तीव्रता है, और ये आपकी एनर्जी की ताकत है। जहां पे बॉटल है ना वहां पे धक्का आता है, मैं फिर से दोहराता हूँ, जहां पे बॉटल है वहां पे पुशनेस आता है, वहां पे स्मेल आती है। मैं फिर से दोहराऊंगा इसको, इस शब्द को ध्यान से सुनिएगा, जो भी थर्ड एक्टिवेशन कर रहे हैं, जितने भी मम्मी पापा सुन रहे हैं, मैं फिर से दोहराता हूँ, ये बहुत बड़ा वाक्य मैं बता रहा हूँ आपको। जहां पे बॉटल है वहां पिच क्या होता है, पुश होता है। जहां पे बॉटल है वहां पे स्मेल आती है, यानी जहां पे आपका लक्ष्य है, जहां पे आपके गोल्स है, जहां पे आपको जाना है, वहां पे ये एनर्जी मदद करती है। क्या करती है? मदद करती है। सो माय फ्रेंड्स, आज आपके बच्चे जो प्रोसेस कर रहे हैं, उस उदाहरण से, वो बॉटल वाले एक्सपेरिमेंट से आपको समझना है कि हम कितने बड़े पावर्स को अचीव कर रहे हैं। हमारे बच्चे एक एनर्जी के कॉन्टेक्ट में है, एक ऊर्जा के संपर्क में है। ये ऊर्जा उनको एक सही रास्ता दिखाती है, उनको एक सही दिशा, सही डायरेक्शन देती है। जहां पे बॉटल है वहां पे उनको छोड़ती है। सो माय फ्रेंड्स, आपके बच्चे एक जोन में, जैसे अभी मैम ने कहा ना, मेरा बच्चा बहुत होशियार हो गया, 61 बच्चों में वो अकेला कुछ अलग है। क्यों अलग है? सभी को मैं सीक्रेट बताना चाहता हूँ। कितने बच्चे होशियार होना चाहते बताइए, आपके बच्चे बहुत होशियार होना चाहिए, अलग 60 है, 100 है आपके स्कूल में, वो अलग कितने चाहते हैं? बच्चे ऑलरेडी है लेकिन और भी हम चाहते हैं। ओके कितने पेरेंट्स जो चाहते कि मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, बहुत उसकी इंप्रूवमेंट आए, बहुत अच्छे से वो करे। कितने पेरेंट्स ये भी चाहेंगे उसको कॉन्फिडेंस बढ़े, सामने आके बोले, ये भी चाहेंगे। मैं आपको सीक्रेट देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। की पॉइंट इस 30 डेज का की पॉइंट है, की पॉइंट मतलब ये नहीं करोगे, अगर ये नहीं करोगे आपके बच्चे जैसे कि वैसे, आप 30 डेज अगर ये मिस, ले अगर आपने स्टार्ट किया आज से,
आपने कोर्स नहीं भी किया 30 डेज का, तभी भी ये बहुत काम करेगा, ऐसे एक फॉर्मूला देना चाहता हूँ। ओके, बॉटल एक्सपेरिमेंट से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चों में बदलाव कैसे आएंगे, उसके बाद मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा, ठीक है, आपके साथ फिर क्वेश्चन आंसर होगा। लेकिन वो सीक्रेट है, की पॉइंट है, उसको थोड़ा सा स्मार्टली हम करेंगे। स्मार्टली यानी हमारे इंद्रियों को यूज करेंगे, जितने ज्यादा हमारे सेंस को यूज करेंगे ना, क्या होता है ना, आंखें बंद करके बच्चों की इंद्रिय काफी डेवलप होती है, इतनी हद तक डेवलप होती है कि वो अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने सेंसरी ऑर्गन्स को बहुत हाईली यूज कर पाते हैं। और माइंड का एक अमेजिंग शक्ति है, अगर आप अच्छे से अपने इमोशंस को यूज करेंगे, जितने ज्यादा विजुअल चीजें का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही सबकॉन्शियस में प्रोग्राम होगा, बाद में बाहर की दुनिया में उसका रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छे से आएंगे। ध्यान सुनिए, ये नहीं किया तो बच्चा वैसे के वैसे रहेगा, ये किया तो चेंज। सभी को मैं कहता हूं, इस 30 डेज की शुरुआत में ही अगर आज आपने आज कोर्स लिया है, इसके बाद बच्चों को कुछ भी गलती करे, कुछ भी उसने गलती किया, उसको डांटो मत, ओके, उसके झगड़ा ना करो, उसको कभी ना बोलो तू पागल है, ये है सिली, ओके, उसको कभी चिल्लाओ मत, पहली ये चीज फॉलो करो, ओके। क्यों मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, जो भी बच्चा मेडिटेशन करता है ना, उसका सबकॉन्शियस बहुत एक्टिव हो गया है। ध्यान से सुनो, एक बार बच्चे ने मेडिटेशन की शुरुआत की है, उसका सबकॉन्शियस हाईली एक्टिवेट है। अगर आप गलती से भी बोलते हो इडियट सिली, उसके माइंड में सबकॉन्शियस में लेप लग जाता है, और ये लेप लग जाना निकालना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। माय फ्रेंड्स, शुरू में जब हमारे समय पे टीचर बहुत गुस्सा करते थे, टीचर बहुत डांटते थे, टीचर क्या करते थे, बच्चों को मारते थे, पीटते थे। लेकिन आज पता है, आज स्कूल में मारा नहीं जाता बच्चों को है ना, आज यानी बच्चे का जो रिजल्ट है, यानी कम मार्क्स मिलते थे तो उस समय पे बच्चे सुसाइड वगैरह करते थे या फिर टेंशन बहुत लेते थे। अभी वो सभी एग्जामिनेशन का लोड, टीचर का डांटना, गुस्सा करना, ये बाद में पता चला, साइकोलॉजी स्टडी हुआ कि बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव होता है बचपन में, अगर उसको गुस्सा किया, डांटे, जब वो बड़ा होता है एक प्रोग्रामिंग बन जाती है, उसका डर जाना, घबराना, उसके कॉन्फिडेंस में कमी, ये माय डियर फ्रेंड्स ड्यू टू बचपन से उसको ट्रीटमेंट मिली है। सुनिए, अभी मैं आपको चीजें बता रहा हूं, गुस्सा नहीं कर रहे तो फिर सॉल्यूशन क्या है, अगर बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम हो, सुनो, उसको माइंड से हम ठीक करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे है और यहाँ पे सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है, जैसे सुनिए, कितने लोगों को मैजिक पसंद है, हाथ ऊपर करो, मैजिक अच्छा लगता है कितने बच्चे मैजिक भी अच्छा लगेगा, मैजिक मैजिक, ओके। अभी देखो, मैंने कहा इंद्रियों को यूज करना है, सेंस को यूज करेंगे, और सेंस को यूज करने के बाद अपने सबकॉन्शियस में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको बाहर निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्रॉब्लम को क्रिएट करना, ना सुनो, प्रॉब्लम को क्रिएट करना बच्चे करते हैं, प्रॉब्लम को बाहर निकालना बच्चे करेंगे। अभी ओके, मम्मी पापा को टेंशन लेना नहीं है, जो जबरदस्ती का मारना, नो नीड, ये भी नहीं कहना कि वो दिख कितना अच्छा करता है, ये भी नहीं कहना कि वो कैसा है, नो, अभी आपका बच्चा यूनिक है, इस भी मेडिटेशन एंड ऑल, और अभी देखो क्या है, मैजिक हम करेंगे, सब करेंगे, ऐसे एक उंगली लेंगे, ऐसे फिंगर, ऐसे बच्चे ले, ओके, अभी इस उंगली को देखे, ऐसे उंगली को देखे, अभी इसको बड़ा छोटा नहीं करना है, वो डेमोंस्ट्रेशन में अलग था, अभी ये अलग है, अभी देखो इसको, उंगली को देख, अच्छे से उंगली है और इसके ऊपर लाइंस है, तो पूरा विजुअलाइज कीजिए और आंखें बंद कीजिए। अभी देखो प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट होते हैं, और हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे अभी, आंखें बंद करके देखो, आंखें बंद करके आपको उंगली को विजुअलाइज करना है, ब्लू कलर की दिख रही है, ब्लू 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 ब्लू, अभी आपको बोलना ये है, अभी ध्यान से सुनो, जितने ज्यादा हम इमोशंस का इस्तेमाल करेंगे, जितने ज्यादा विजुअल का इस्तेमाल करेंगे, जितने ज्यादा हम बोलेंगे अच्छे से विद इमोशंस, उतना ज्यादा इम्पैक्ट। ध्यान से सुनो, आंखें बंद करके बोलो, इस उंगली को देखते हुए, मेरी उंगली में दर्द शुरू हो रहा है, मेरी उंगली में दर्द शुरू हो रहा है, मेरी फिंगर इज पेनिंग,
आंखें बंद करके विजुअलाइज करो कि जो उंगली है उसका टिप है, यानी ऊपर का सिर उंगली का, वो लाल 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 बन गया है, रेड लाल 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 देखो, और वहां पे दर्द शुरू हो गया है। सेंसेशन फील करो, दर्द वाली महसूस करो कि दर्द सच में शुरू हो गया है, और देखो कि उंगली अभी लाल लाल हो रही है। अभी मेरे साथ बोलो, मेरी उंगली बहुत दर्द कर रही है, मेरी उंगली बहुत पेन कर रही है, बहुत ही दर्द है मेरी उंगली में, बहुत ही पेन है, पेन है। और अभी क्या करो, पूरे पांच उंगली ऐसे निकालो और देखो ये जो उंगली का दर्द है ना, इस उंगली से उस उंगली में, उस उंगली से उस उंगली में, सभी पांचों उंगलियों में वो लाल कलर, वो दर्द महसूस हो रहा है। आंखें बंद, आंखें बंद और बोलो, मेरा हाथ, पूरा हाथ दर्द महसूस कर रहा है, मेरा हाथ जो है पूरे तरीके से लाल हो गया है, रेड है, पूरा हाथ लाल हो गया है, पूरा दर्द कर रहा है। सेंसेशन महसूस करो, संवेदना महसूस करो हाथों की, पूरा पेन 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 पेन, बोलो मेरे साथ, पेन हो चुका है मेरा हाथ, पेन है, बहुत ही पेन हो गया है मेरे हाथ में, बहुत ही पेन, दर्द है, दर्द हो गया है, दर्द है, दर्द है। और अभी जिस जिसके हाथों में दर्द है ना, अपना दूसरा हाथ ऊपर करेंगे, सच में वो महसूस हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, फील इट। अभी शायद यहाँ पे सुनो, अरे मम्मी पापा, बच्चे के हाथ देखो ऊपर है क्या? अभी बच्चों को देखो आप, बच्चे के सच में पेन हो रहा है क्या? एक बार पूछो बच्चों को, एक बार पूछे, चलो हाथ निकालो, अभी पेन हो रहा है क्या, बोलो बच्चों को, पूछे बेटा दर्द हो रहा है आपके हाथ में, पेन हो रहा है, ओके पेन हो रहा है, कितने बच्चों के हाथ में पेन हो रहा है, हाथ ऊपर करो। मैं अनम्यूट आपको करना चाहूंगा, यहाँ पे है मोना लिसा, अनम्यूट, यस दीदी अनम्यूट, यहाँ पे है मोना लिसा, यस सर, हाँ सर, इनके हाथ में दर्द हुआ है, हाथ ऊपर करो, दीदी आपके हाथ में दर्द हुआ है, पेन शुरू हुआ है, वेरी गुड, अभी थम्स अप दिखाओ, जिन जिन के हाथ में पेन होता है, मैं ऐसे थम्स अप दिखाओ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, देखो सॉल्यूशन देखो, हाँ अभी प्रॉब्लम क्रिएट करने की ताकत हमारे अंदर है। कितने अमेजिंग शक्ति में आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, एनर्जी एनर्जी, प्रॉब्लम क्रिएट करने की ताकत हमारे अंदर है, प्रॉब्लम हम ही क्रिएट करते हैं। ओके बच्चा अगर बोलता है ना मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता, मैथ्स अच्छा नहीं लगता, उसका मैथ्स ऑलरेडी अच्छा होता है, लेकिन वो बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, दर्द में दर्द, और दर्द देखो किन किन को, बच्चों को दर्द है, हाथ ऊपर करो, थम्स अप दिखाओ ऐसे। ओके अभी अभी काम करेंगे, इसका सोल्यूशन देखो, यही सोल्यूशन है, अभी ये हाथ दर्द हो रहा है ना, इसको कितना भी बोलेंगे ना, अरे तू पागल है, तू इडियट है, तुझे कुछ समझता है क्या, अरे तेरे पास अक्ल ही नहीं है, इस हाथों को बोलेंगे तो दर्द नहीं जाएगा। तो इस दर्द का नाम निशान खत्म करना है, तो उसका सोल्यूशन है, और सोल्यूशन क्या है, फिर से आंखें बंद करो और आंखें बंद करके विजुअलाइज करो अपने हाथों को, हाथों को विजुअलाइज करो, जहां पे लाल लाल है, जहां पे लाल लाल है उसको देखो कि वो निकल रहा है, निकल रहा है, रेड निकल रहा है, निकल रहा है, तो आपको बोलना है मेरा हाथ अच्छा हो गया है, ये सारा लाल निकल गया, ये सारा लाल निकल गया, मेरा हाथ अच्छा हो गया है, मेरा हाथ अच्छा हो गया है, माई हैंड इज वेरी ब्यूटिफुल और वेरी हेल्दी, और देखो कि पूरा ब्लू 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 है, आंखें बंद करो, पूरा हाथ लाल से नीला हो गया है, नीला ब्लू 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 ब्लू, आंखें बंद करके विजुअलाइज करो, अभी पूरा ब्लू 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 है, पूरा नीला 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 है, नीला नीला है, और देखो दर्द गायब, दर्द गायब। अभी जिनका दर्द, अभी आंखें खोलो, अगर ब्लू हो गया है तो आंखें खोलो, और किसका अनुभव है कि सर पहले लाल था अभी ब्लू हो गया, दर्द भी गायब। अभी हाथ ऊपर करो, किनका है, ऐसे थम्स अप दिखाओ, अभी दर्द नहीं है सर हाथ में, वेरी गुड। यहाँ पे दिव्या, वेरी गुड दिव्या वंश, ये सनम्यूट। अभी दिव्या ये बताओ मुझे, अभी जब आपने कहा था हाथ था है ना, हाथ था, मैंने कहा लाल हो गया है, तो ये बताओ दिव्या, आपको वो लाल पेन शुरू हुआ था, दर्द शुरू हुआ था? ओके yes, okay, महसूस किया उस दर्द? yes, sir. देखा उसको? ओके okay. और जब आपने निकाला तब क्या हुआ? सर निकल गया, यानी निकल गया, दर्द भी निकल गया पूरा? yes, दर्द भी निकल गया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, उसका सोल्यूशन एक ही है। ओके okay. इसका सोल्यूशन एक ही है, और वो क्या है, अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो है सीक्रेट माय डिफेंस, वो है अफर्मेशंस, अफर्मेशंस। अगर आपका बच्चा कितना भी मेडिटेशन करे, उसको आंखें बंद करके कितनी भी चीजें दिखाई दे,
उसके अंदर अगर अफर्मेशन लैक है, ओके, 30 डेज में वो अगर अफर्मेशन बोल नहीं पा रहा है अच्छे से, तो बदलाव नहीं आएगा। उसके जो अफर्मेशन है, ओके, वो डेली बेसिस पे कुछ स्पेसिफिक रखेंगे और वो स्पेसिफिक हम 2 बार बोलेंगे। उदाहरण के लिए, सबसे बड़ा अफर्मेशन अगर इस प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपको कोई देना है, वो ये देना है कि मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है। ओके, अभी ध्यान से सुनिए सर, अगर वो बोल रहा है मुझे मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, तो हम 10 दिन बस एक ही अफर्मेशन देंगे। ओके, जब तक उसके पूरे इमोशंस ना आए। ओके सभी बेटा, अभी उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ चीजें हैं, मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए सभी लोग जो अपने आप को जल्दी डेवलप करना चाहते हैं और बच्चों से जल्दी कुछ पाना चाहते हैं, और वो ये है, जितने ज्यादा इमोशंस डालेंगे, जितने ज्यादा भावनाएं डालेंगे, जितने ज्यादा फीलिंग्स डालेंगे, तभी ये होगा। ओके, तभी ये होगा। दिव्य, आज सभी को यहाँ पे मुझे प्रॉमिस करनी है, अभी इसके बाद जो अफर्मेशंस आप बोलोगे ना, वो इमोशंस के साथ बोलोगे, स्माइल के साथ बोलेंगे। बोलो क्या बोलोगे? यस दिव्य, यस सर। ओके, इमोशंस के साथ। ओके, सभी मेरे साथ बोलना है, और वो इमोशंस कैसा होना चाहिए दिव्या हमें सिखाएगा, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? हम दोनों आपको, सभी बच्चों को सिखाएंगे। सो सभी ने अपने हाथों के ऐसे मुट्ठी लेनी है, सभी ने। मैं ये फॉर्मूला अभी मेडिटेशन के लिए बोल रहा हूँ, फिर आपकी सभी प्रॉब्लम्स इससे ही सॉल्व होने वाला है। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, चेहरे पे स्माइल, चेहरे के ऊपर बड़ी सी स्माइल, हंसता हुआ चेहरा, इमोशंस ऐसे ना, आंखें बंद हो रही सुने, मुझे अभी मेडिटेशन करना ना बहुत अच्छा लगने वाला है, नो ऐसे नहीं, विद इमोशंस आंखें बंद, स्माइल, एंड विद इमोशंस बंद करके, विद फीलिंग्स, यहां से स्टमक से आना चाहिए, मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है। ओके, और ये करते समय ध्यान से सुनो सभी लोग, करते समय कितने ऐसे जो बहुत ही जल्दी रिजल्ट लाना चाहते हैं, ऐसे कौन है बहुत ही जल्दी लाना चाहते हैं, बहुत ही। अभी क्या करना है, एक शॉर्ट सा इसमें की पॉइंट है, वो क्या है, जब आप ऐसे हाथ करोगे ना, तो अपने हाथों को दबाओगे, क्या करोगे, इसे दबाना है। जब हम कोई इमोशंस क्रिएट करने के लिए और ज्यादा इमोशंस लाने के लिए ऐसे हम दबाते हैं ना, तो अंदर से फिर आ जाता है, और आंखें भी और मुंह भी थोड़ा सा इसे प्रेस करना है, क्योंकि ये पूरा हमारा जो वाक्य है उसके ऊपर फोकस रहेगा। आंखें बंद करो और बोलो मेरे साथ, जोर से बोलना है, मुझे मेडिटेशन करना बहुत। अभी क्या करना है, ये करते समय ऐसे हिलना है पूरा, अंदर से पूरा हाथ दबाना है, अंदर से पूरी बॉडी दबानी है, अंदर से मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, विद इमोशंस 100%। ओके, फिर से आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, मुझे मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड। मेडिटेशन की पावर मम्मी पापा बच्चों को सिखाइए। इस वीडियो को पूरा देखिए। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? क्या आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है? क्या आपका बच्चा हमेशा टीवी और मोबाइल ही देखते रहता है? आप इसका सोल्यूशन चाहते हो? इसका एकमात्र सोल्यूशन है बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन करनी है। क्या होती है थर्ड आय? थर्ड आय जिसे अज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, हॉर्स आय, डिवाइन आय, दिव्य चक्षु, बोधि, नेत्र कहते हैं। हमारे बॉडी में जो 7 चक्रास है, उसमें सबसे पावरफुल चक्र हमारे डिफेंस थर्ड आय, और ये अगर एक्टिवेट हो गया तो बच्चे के अंदर उनकी मेमोरी है, कॉन्सेंट्रेशन है, इंट्यूशन पावर है, इमेजिनेशन है, डेवलप होती है। आपकी बच्चे की अगर थर्ड एक्टिवेशन हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदलती है। 5 बेनिफिट्स में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को एक आँख मिलती है, ऐसी आँख जो वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, सैंड प्रूफ, प्रूफ 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 ही प्रूफ है, और ये आँख लाइफ टाइम के लिए है। माय डिफेंस, हमारी आँखों की कीमत क्या है हम जानते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को एक गिफ्ट दे सकते हैं, एक आँख। सेकेंड जो बड़ा बेनिफिट है, ऐसे लगता है इसी के लिए थर्ड एक्टिवेशन बच्चों को आपको करना ही चाहिए। और मैं बताऊँ, बच्चों की जो इंद्रिया है, यानी उनके टच सेंस है, स्मेलिंग के सेंस है, वो डेवलप होते हैं। बच्चे स्मेल करके रीडिंग करते हैं, स्मेल से पूरी की पूरी किताब पढ़ते हैं। इतना ही नहीं मैडम फ्रेंड्स, बच्चे 2 मिनट में पूरी की पूरी किताब पेज नंबर के साथ उनको याद रहती है। मैडम फ्रेंड्स, यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं था, लेकिन जब बच्चों का जब ये अनुभव आप सुनते हो, तो मैडम फ्रेंड्स बच्चों की लाइफ बदलाव, चेंज आ जाता है। देखिए,
क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत है। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। क्या लग रहा है आपको? ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं। नहीं जनाब, ये किताब पढ़ना है। अब जरा इनसे मिलिए, आंखों पर पट्टी बांधकर ये कितने आराम से वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। राहुल सिन्हा, डिप्यूटी एडिटर, जी न्यूज, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यकीन मानिए, ये सब कुछ आपका बच्चा भी कर सकता है। थर्ड जो बड़ा बेनिफिट है, मैं चाहूंगा कि हम सभी चाहते हैं कि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े, उनकी पढ़ाई ऐसी हो जाए कि वो एक बार पढ़ के याद करें। ये सभी हम चाहते हैं बच्चे पढ़ाई में होशियार हो। जब आंखें खुल के पढ़ाई करते हैं वो बहुत ही कम समय पे याद रहता है, क्योंकि हम कॉन्शियसली पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बाह्य मन से, लेकिन हमारा अंतर्मन सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी पावरफुल है। आंखें बंद करके जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारा जब थर्ड एक्टिवेशन हो जाता है, जो भी चीज़ें दिख रही है आंखें बंद करके वो विजुअल फॉर्म में है, कल्पनाओं में है, और जो भी दिख रहा है वो पूरा क्लियर दिख रहा है। अभी होता क्या है, ध्यान से सुनिए, ये किताब को आपने बंद किया और जो भी पढ़ लिया था अभी आंखें बंद करके, वो सभी का सभी दिख रहा है, आप उसको लिख सकते हो। आपने याद नहीं किया, ध्यान से सुनिए, याद नहीं करना है, वो सामने छप जाएगा। इसको 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी वो आंखें बंद करके दिखने वाला है। वो एक स्कैनिंग बन जाएगी उसकी मेमोरी, उसका दिमाग। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ये सुनने में तो मज़ेदार है, मगर ये पॉसिबल है? क्या ये हो सकता है? हाँ, लेकिन विश्वास नहीं है, अरे मेरा भी नहीं था, लेकिन जब बच्चे ये चीज़ें करते हैं जिंदगी उनकी बदलती है। देखिए क्या क्या करती है वो, देखो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। यशवी दीदी करती है ये बताओ यशवी जी, इस पे क्या लिखा हुआ है? तृष्णा संसार के सभी दुखों में से अधिक दुखदायिनो है। क्या बात है, तृष्णा संसार के सभी दुखों में से ज्यादा कष्टदायी है। 100 रुपए की नोट है, नंबर है 8KG 851993। ये लो, नंबर सहित बता दिया। मुझे पहले क्षण ना तो उस पर विश्वास हुआ और ना अविश्वास, लेकिन अब देख करके इस पर भरोसा तो हो गया है। इसका पूरा साइंस जो है, जैसे हमारी बाहर की दो आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है। और पहले से जैसे अभी आप पढ़ते हो, आपकी मेमोरी में कुछ अंतर पड़ा? हाँ, मेमोरी में काफी अंतर, पर मैं पढ़ के जाऊं और अगर मुझे याद ना आ रहा हो तो मैं आंख बंद करूं तो वो मैं अपनी आंखों के सामने ला सकती हूं सारा। हाँ, वो पेज पूरा कि बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। फोर्थ जो बड़ा बेनिफिट है, इसके लिए तो करना ही है। आपके बच्चे डरते हैं, आपके बच्चे का अगर आप कोई नया स्किल बढ़ाना चाहते हो, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हो, तो थर्ड एक्टिवेशन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपके बच्चे अगर आंखें बंद करके देखते हैं तो वो जो टैलेंट है, उन्होंने जो भी स्किल अचीव किया है, तो आप दुनिया के सामने दिखा सकते हो कि मेरा बच्चा कुछ अलग है। जैसे कोई स्कूल के प्रोग्राम है या एनुअल फंक्शन है, या आपके बच्चे कोई मेहमान घर पे आते हैं तो वो आंखें बंद करके दिखाएगा, या टीवी मीडियाज में आप उनको भेज सकते हैं, या फिर कई सारे अवार्ड्स होते हैं जैसे कि गिनीज बुक अवार्ड है या लिम्का बुक अवार्ड है, तो उधर भी वो जा सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट इंडियाज गॉट टैलेंट गिनीज बुक में गए हैं, टीवी प्रोग्राम्स में गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है, अपने आप को वो अलग है, भीड़ से अलग है, ये दिखाने के लिए। माय फ्रेंड्स, आपके बच्चे को थर्ड एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को स्मार्टली डेवलप करना चाहते हो ना, इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिंदगी बदलने वाली है। आंखें बंद करके जो दिखता है, इसका सीक्रेट जानना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं ये कैसे मुमकिन है। जब हम सो जाते हैं, नींद में जो सपने आते हैं ना, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन जो विजुअल माइंड है उसे सबकॉन्शियस माइंड वो जागते रहता है। कोई बिल्डिंग से अगर हम जंप करें, उस हाइट को, उस डर को हम महसूस कर सकते हैं। यही चीजें होती है विजुअलाइजेशन। अभी ध्यान से सुनिए, मेडिटेशन में ध्यान करते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे होते हैं, उसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। हमने सुना था आंखें बंद करके स्वामी विवेकानंद लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने सत्य को जाना था, विचार शून्य की अवस्था, आंखें बंद है, सामने वाली चीजें भी दिख जाती है। सुना था बस झांसी की रानी,
आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक शस्त्र चलाते थे। यही तो सीक्रेट है थॉटलेस अवस्था, विचार शून्य में चीजों को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो पांचवा बड़ा बेनिफिट है, ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके हम कोई चमत्कार, बच्चों को कोई मैजिशियन, जादू नहीं सिखाने वाले हैं। ये चीजें क्यों करनी है? दोनों माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे आते हैं, यानी थॉटलेस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन में, और ये बचपन में पॉसिबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत माइंड पावर के बारे में पता है, द सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपको ये भी पता होगा जब हम अफर्मेशंस, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं मेडिटेशन के अंदर, इतना चेंज आता है, बदलाव आता है, क्या कहूं मैं। आंखें बंद करके जब बच्चों को हम मेडिटेशन करवाते, एक प्रोसेस होता है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेरी राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गुस्सा कम हो गया है। ये थॉटलेस अवस्था में बच्चों को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बदलाव, चेंज इतना आता है ना। आपके बच्चे मेडिटेशन करने के बाद कभी गलत आदतों पे नहीं जाएंगे, कोई भी गलत आदत, कोई भी गलत चीज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में है। और इसी सदी में, इस टेक्नोलॉजी के युग में, मन अगर स्थिर है तो बड़ा काम हम कर सकते हैं। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की, चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। जीत, इसमें से 2-2-1 नंबर पे निकालो। 2-2-1, वेरी गुड। अभी पढ़ो इसमें क्या लिखा है। यूज द एपोस्ट्रोफ एज अ डिफॉल्ट लेवल परफेक्ट कैरेक्टर, देन रिवर्स इट व्हेन यू रीड इट। यस, द डॉलर सिंबल डिसेक्टिंग अ फील्ड नेम 3+। वेरी गुड। ये कैसे हुआ? बुक उल्टी पकड़ने के बाद भी ब्लाइंड फोल्डेड जीत ने सीधी रीडिंग की। सितंबर 2016 में एक गियरलेस स्कूटर को ले से खारडुंगला ले गया, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। जीत ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। जीत मल्टीटास्किंग का भी मास्टर है। एक बार में आंखों पे पट्टी बांध के 3-3 लोगों के साथ चेस खेलता भी है और उन्हें हराता भी है। एक्सपर्ट 17 साल के जीत के डेयरिंग और ऑसम एक्ट्स वाकई OMG हैं। अपने सुपर एक्टिव ब्रेन से ये यंग इंडियन ऐसे कारनामे करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं बताऊं, ये प्रोग्राम आप घर बैठे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, और आप इसको बच्चों के साथ, आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारा 30 डेज का प्रोग्राम है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपके बच्चे को और आपको सिखाते हैं कि घर बैठे आप कैसे थर्ड एक्टिवेशन को सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस वेबसाइट में डे बाय डे के वीडियोज़ रहेंगे, एक एक घंटे के वीडियो आपको फॉलो करने हैं, जैसे Day 1, Day 2, Day 3, ऐसे 30 वीडियोज़ रहने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सिखाने वाले हैं। इस वीडियोज़ में हमारा पूरा ट्रेनिंग रहेगा, मतलब कि हम जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, मेडिटेशंस करने वाले हैं, ब्रेन डांस, ब्रेन जिम करने वाले हैं। अमेजिंग प्रोग्राम है, पूरा एंटरटेन से भरा हुआ है, बच्चों को तो काफ़ी पसंद आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये प्रोग्राम काफ़ी इजी भी है, मतलब आपको हर एक चीज़ आसानी से समझने वाली है, बस बच्चों और पेरेंट्स को साथ में ये प्रोसेस करना है। और एक चीज़ माय फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है, ये जो किट है, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये आपके पास हमेशा रहने वाली है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये रहने वाली है, इसका एसेस जो है हमेशा आपको मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये वीडियो जर्नी जो है, ये करते समय आपको कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, और आपके बच्चों के जो भी अचीवमेंट्स है वो हमें आप शेयर कर सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, हमारा मंडे जो है डाउट सेशन रहने वाला है, जहाँ पे जिन्होंने भी इस कोर्स को लिए हैं 30 डेज के प्रोग्राम में जो है, उनको हम इकट्ठा बुलाते हैं रात को 9 से 10 बजे एवरी मंडे। और मैं बता दूं, ये जो प्रोग्राम है लाइफ टाइम के लिए है, मतलब कि ये जो वीडियो कोर्स है वो आपको 30 डेज फॉलो करना है, उसके बाद बच्चों को मेडिटेशन रहेगा 15 से 20 मिनट का, और हमारी जो मीटिंग्स है ना मंडे वाली, ये आपको हमेशा मिल रही है। तो ये जो डेवलपमेंट मैं चाहूँगा बच्चों की, वो डे बाय डे बढ़ती है और वो हमेशा रहे, इसलिए आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी दे रहे हैं। अगर आज आप एनरोल करते हो, आप आज ये प्रोग्राम खरीदते हो, मैं चाहूँगा कि आपको और 3 प्रोग्राम जो मेरे पर्सनली मेरे काफ़ी
टच है, हार्ट के करीब है, वो प्रोग्राम भी मैं आपको सिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमारे फ्रेंड्स, आपके बच्चों की अगर आप थर्ड एक्टिवेशन कर लेते हो, उसके साथ बच्चे का एक मेथड होता है स्कैनिंग, मतलब कि बच्चों की मेमोरी इनहांस करने के लिए एक एडवांस ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग आपको मैं देना चाहूँगा। बच्चों की स्मरण शक्ति, जिस तरह से आँखें बंद करके वो पढ़ लेते हैं और पूरा का पूरा वो स्कैन करें, फ्लिप करके वो किताबें पढ़ें, इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है मेमोरी पावर का। तो ये प्रोग्राम 3 दिन रहेगा इसी 30 डेज में, वो आपको मैं देना चाहूँगा। ये मेमोरी प्रोग्राम करने के बाद आपके बच्चों की स्मरण शक्ति अमेजिंग हो जाएगी, पढ़ाई का जो प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म होने वाला है। सेकेंड जो प्रोग्राम हमारे फैंस वो है NLP का, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये माइंड पावर का एक ज़बरदस्त टेक्निक है जो बड़े लोग सीखते हैं और अपने जीवन में अपने वेल्थ को क्रिएट करते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव क्रिएट करते हैं। और ये बताओ, बच्चों ने ये बचपन में ही सीख लिया तो उनको हमेशा ये लाइफ में काम आने वाला है। NLP जैसे साइंस में हम बच्चों की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। आपके बच्चे का राइटिंग की स्पीड, अगर वो रीडिंग करते समय अटकता है, रीडिंग की स्पीड कम है, या फिर रिमेम्बरिंग की प्रॉब्लम है, या फिर गुस्सा करना, TV देखना, मोबाइल खेलना, ये सभी प्रॉब्लम NLP से सॉल्व हो जाने वाली है। और ये टेक्निक डिफेंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसी प्रोग्राम के अंदर। थर्ड जो अमेजिंग प्रोग्राम है, और मैं आपको बताऊँ ये आपको भी काम आने वाला है, और वो है हमारे पास रूइकी हीलिंग। हम जब मेडिटेशन सीख रहे हैं, ध्यान का ये प्रोसेस है थर्ड आई का, तो उसमें बच्चों की विजुअलाइजेशन काफ़ी डेवलप होती है। अगर बच्चे कभी बीमार गिरते हैं, मतलब कि उनको खांसी हुआ, पेट में दुख रहा है, या सर्दी हुआ, या सिर में दर्द है, जो भी पेन किलर आप जब खाते हो और उस दवा लेने के बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं या आप ठीक हो जाते हो, उसके लिए दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद करके जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो बीमारी दिख जाती है। अगर बीमारी अगर दिख जाती है तो उसका समाधान भी होता है हमारे फ्रेंड्स रूइकी हीलिंग। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन होने के बाद वो ईजिली अपने आप को ठीक कर सकते हैं, आंखें बंद करके वो बीमारी को देख के उसको निकाल सकते हैं। रिकी प्रोग्राम माई फ्रेंड्स, ये चीज़ें अगर आपने बचपन में सिखाई ना तो बच्चों की हेल्थ अच्छी होने वाली है, इसलिए मैं आपके बच्चों को ये अमेजिंग गिफ्ट दे रहा हूँ। तो आपको इन चारों कोर्स को, थर्ड एक्टिवेशन, NLP, रिकी, मेमोरी पावर, ये अमेजिंग प्रोग्राम, आपको ये लाखों रुपये के प्रोग्राम मैं आपको अमेजिंग प्राइस के साथ देना चाहूँगा। और मैं बताऊँ ये ऑफ़र आज के लिए और आपके लिए हमारे फ्रेंड्स, और वो है कि ये पूरा ट्रेनिंग जो है आपको वीडियो फॉर्मेट पर मिलने वाला है, हमारा सपोर्ट रहने वाला है, और लाइफ टाइम मैं आपके बच्चों को सिखाना चाहूँगा। इसका जो प्राइस है हमारे फ्रेंड्स वो 14,000 से भी ज़्यादा है, लेकिन आज अगर आप इंजॉय करते हो तो मैं आपको ऑफर देना चाहूँगा। इसको आज आप 4999 में ले सकते हो, आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये सिखा सकते हो। तो हमारे फ्रेंड्स, आपको आज रजिस्ट्रेशन करना है आपके बच्चों का, अभी के अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके ये जो किट है थर्ड एक्टिवेशन का ये घर मंगवा सकते हैं। और एक चीज़ सर, हम ये चीज़ें सिखाना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भी थर्ड एक्टिवेशन करना चाहते हैं, मगर आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? मैं आपको बताऊँ, इतनी बड़ी आपको रिस्क लेनी है, इतना बड़ा आपको अमाउंट पे करना है, मगर मैं आपको बताऊँ, आपको फंसाऊँगा नहीं, विश्वास के साथ कीजिए। ये प्रोग्राम पॉजिटिव है, ये प्रोग्राम मेडिटेशन का है, और एक चीज़, ये प्रोग्राम मैं पिछले 7 सालों से सिखा रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया है। मेरे फ्रेंड्स, मैं बताऊँ, मेरा YouTube चैनल है जहाँ पे 1,500 से भी ज़्यादा वीडियो है, बच्चों के अनुभव है। और एक बताऊँ, ये प्रोग्राम इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फॉरेन कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट ये सीख रहे हैं मेरे पास। आज मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है ये चीज़ें सिखा रही है। मैंने ये चीज़ें बचपन में नहीं सीखी, और इसी के लिए मैं चाहता हूँ ये बचपन में मिले। एट ए एज मैंने 25 जब ये चीज़ें जानी, सीखी, और मेरा थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि विचार कंट्रोल करना वो बचपन में मुमकिन है, थॉटलेस होना बचपन में पॉसिबल है, विचार शून्य में हमें दिखाई देता है, बच्चों में स्ट्रेस, टेंशन, विचार कम होते हैं, इसलिए उनको ये मुमकिन है। और माय डिफेंस, ये चीज़ें सीखने के बाद माय फ्रेंड्स, आप मुझे 10 बार थैंक यू कहोगे, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम रहने वाला है।
मेरा नाम है दिवांशी, मैं आज थोड़ा एक्टिवेशन सिखाने चाहती हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन करने से हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। थोड़ा एक्टिवेशन करने से आप आंखें बंद करके देख सकते हो। मैं आपको मेडिटेशन का रोज करना पड़ेगा। पापा थोड़ा एक्टिवेशन करने के बाद अपने बच्चों की मेमोरी बहुत बढ़ेगी, के बच्चे के कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे याद रखोगे, इतना अच्छा है ना। आप बता आप कितने लोग सीखना चाहोगे? मुझे यस करो, यस। मैं बहुत खुश हो रही हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन आपके बच्चों को सिखाओ, मुझे प्रॉमिस करो। प्रॉमिस, मेरे पापा ने बहुत सुंदर नया कोर्स बनाया है जो आप घर बैठे सीख सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं? तो मेरे पापा का वीडियो देख लो, घर बैठे सीख। मैं भी ये सीख चुकी हूँ। आप मेरे काम का समय है, चलो मेरे पापा का वीडियो पूरा देख लो। बाय बाय। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय। और हमारा जो मिशन है कि मुझे ये चीज़ें 10,00,000 बच्चों को सिखानी है, बच्चों की ज़िंदगी बदलनी है, तो इसके लिए मैं आपका हेल्प चाहता हूँ। सच में अगर आपके बच्चों को 30 डेज में रिजल्ट नहीं मिला, आपके बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुई, तो मैं रिस्क लेता हूँ, वो है मनी बैक गारंटी। अगर इस प्रोग्राम में अगर आप 30 डेज कंप्लीट करते हो और आपके बच्चों को आंखें बंद करके नहीं दिखता है, तो मनी बैक गारंटी में वे आपको देना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम करने के बाद बच्चों की ज़िंदगी इतनी चेंज हो जाती है, इतनी लाइफ बदलती है, ये मैं नहीं कहूँगा। जिन्होंने इसका अनुभव लिया है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है। देखिए, ये क्या है सुपर पावर? सर मैं आपको करके दिखाती हूँ। सर ये मेरा एक ब्लाइंड फोल्ड है, तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सूंघ करके आप किताब पढ़ेंगी? हाँ। Once upon a time, there was an explorer named John D. Souza. It was called so because nobody returned alive. Oh, so okay. So, मैं पिताश्री से पूछना चाहूंगा, सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स होता है जिसमें वंशी ने ये सब सीखा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए, कहाँ होता है ये कोर्स? ये जो अभी इसने करके दिखाया है, वैसा तो जादू लगता है, बट वो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन है। स्मेल सेंस या टच सेंस वो हम यूज नहीं करते, तो वो विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से। ब्रेन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, उन सबको कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, फोकस, वो सब बढ़ता है। इसका मोटो ही यही है इस प्रोग्राम का कि लाइफ टाइम गिफ्ट टू द चाइल्ड। बहुत ही अद्भुत, ये एक भेंट आपने अपनी बच्ची को दिलवा दी। तपस्या, आप बताओ ये जो वीडियो कोर्स की जर्नी थी, आपको कैसा लगा? ये एंजॉय किया आपने इस सेशंस को? ये जो वीडियो है डांस का, सब मुझे पसंद है, और मेडिटेशन भी मत पसंद है मुझे। मैं दिन भर मोबाइल देखती थी ज्यादा, पर अब कम देखने लगी। मुझे जब मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ मुझे बोर होता है। ओके, कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है अभी, वो कॉन्सेंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। मतलब पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को, और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या? देखो, तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिडब्रेन को दिखाया, और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं, उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है विदाउट सीइंग द बुक, विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक, हाउ शी कैन डू लाइक दिस। जब मैं भी इसको पहली बार देखा था, आई वॉज वो शॉकी है, कैसे मुमकिन है। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपका ये मुझे मिला। पहले आंखें खोल के रीड नहीं कर पाता था, राइटिंग नहीं कर पाता, अभी आंखें बंद करके भी कर रहा हूँ। उसकी पावर, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। चलो, बहन के साथ बहुत झगड़ा करता था, अभी खुद उसे संभाल रहे हैं। मम्मा आप काम करो, मैं इसे संभालता हूँ। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गया। मोबाइल टीवी का क्या है मैम? मोबाइल टीवी कम हुआ है? मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था। अभी हमें टीवी नहीं लगाते,
ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता है क्या? इतनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए, हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इसके कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए? तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में ये कोर्स करना चाहिए? और कैसे? अरे वाह, आपको बहुत पसंद आया। हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर साइड इफेक्ट होगा क्या, फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा, ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था। ओके, वेरी गुड। और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया, सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए। वेरी गुड, वेरी नाइस। फिजिकली सभी चीजें सॉल्व हो गया। और ये जरूर कहूंगा, ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की। और मुझे यही मेरा सपना, ये मेरा मिशन है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करने की जो प्रोसेस है, जो भी टेक्निक्स है, और वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि आप वैसे आंखें बंद करें तो नहीं, वो जो पूरा जो सिस्टम है, एनर्जी चक्रास, ये सभी प्रोसेस जो है और प्रॉपर टेक्निक्स, वो सभी को सिखाऊं। अर्जुन देता, मुझे काफी खुशी हो रही है। हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं, यस, बांग्लादेश से है। सिटी मैं भी बांग्लादेश से, और यहाँ पर एक सिटी है सावा ढाका, हम वहाँ पर रहते हैं। मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। बोला आपका नंबर दिया, बोला ए इस इंसान को कॉन्टेक्ट करो, एक मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है। एक करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। घर में कितने दिन के बाद आपकी हीमोग्लोबिन को दिखाई देने लगा? विद इन वन वीक ही वाज एबल टू रिकॉग्नाइज द कलर्स, देन रिकॉग्नाइज द अल्फाबेट्स एबीसी। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रह सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था। इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इंप्रूव, टू मच इंप्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर। अभी देखो कितने सारे पेरेंट्स, आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर ये कोर्स करते समय? के अंदर बदलाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल ही बंद कर दिया। वाह वाह वाह, टीवी नहीं देखता है। बदलाव आया है सर कि ये गुस्सा करते थे, यस, उसमें इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया, सब खत्म हुआ। और तीसरी चीज इनके अंदर एक और भी बदलाव अच्छी आई है कि पढ़ने में खाली समय में नहीं रहते, पढ़ने का हमेशा कुछ ना कुछ किताब ले लेंगे, राइटिंग करेंगे, और अपना लगे रहते हैं पूरे दिन, जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहते हैं। भारे बाप रे, यानी बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, अभी कहने की जरूरत नहीं है, वो भी जाके पढ़ रहा है। ये इस्माइल करके किताबें पढ़ लेते हैं, इसके अलावा उल्टा करके फ्लिप करके किताबें पढ़ लेते हैं, उसमें से इमेज बता सकते हैं कि हाँ ये है ये। अच्छा। और बॉटल इनको देता हूँ, पट्टी बांध देता हूँ, और स्माइल करके मैं कहीं रख देता हूँ, छुपा देता हूँ, तो ढूंढ के लेके आ जाते हैं, बता देते हैं सर ये आंख बंद करके अपने बच्चों को भविष्य यदि बनाना है पेरेंट्स को, तो ये कोर्स ले करके, और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा पैसा है, 5,000 रुपया कहीं भी आदमी यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है। तो ले करके बच्चों को कोर्स कराने की जरूरत है। सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्स ले और अपने बच्चों को ये शिक्षा एजुकेशन जरूर दे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे मिशन में आपने कंट्रीब्यूट किया कि लाइफ में मैंने 10 लाख बच्चों को ये चीजें सिखानी है, और अभी जैसे बच्चों को बनाना है, और ये नॉलेज बचपन में ही मिले मैं ये चाहता हूँ। यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे, हाँ हाँ, ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तीसरे दिन उसकी आंख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा, मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहली बात तो ये, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना तो वो करे। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ।
हमने दो दो पट्टियां उसके आंखों पे लगाई, उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। बरोबर से जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? पर वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ मेरे माइंड में ऐसा खेला ना सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने अर्ज देखा। यस यस यस, तुरंत मैंने आपको कॉन्टेक्ट किया। खूप कंटाळा यायचा, पण जेव्हा कना ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, असं उत्साह यायला लागला, बरं वाटायला लागलं। ओके, नंदिनी बता रही गाँव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी। कैसे, क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी एक खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद जट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है, और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। तो डेली मोबाइल पे से लगे रहते थे या मैं सुबह जाके सामने आता था जब तक देखे तो भी दोनों बेटी बेटा दोनों भी मोबाइल में खेलते थे। ओके नाइस। अब पूरा मोबाइल तो पूरा बंद हो गया थोड़े दिन के लिए। ग्रेट, नाइस 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 नाइस। हाँ, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। हमने वाटर में स्कूल टीचर्स ट्यूशन आपका हैप्पी है सर, काफी चेंज हो गया, ऋतिक को चेंज हो गया, पढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा सर। नाइस नाइस। लिखने दो, कंप्लीट लिखकर बता रहा सर, विदिन हाफ एन आवर में बता रहा थे। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी फैमिली को गिफ्ट है, वो तो फैमिली के लिए गिफ्ट है, फैमिली को गिफ्ट है। पहले तो हमारे दोनों बच्चे एक्टिव हो गए, टेंशन नहीं है सर, अभी फोन कभी पढ़ने दो, मैं तो अभी हैप्पी हूँ सर। वेरी गुड। इसमें अपने हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इसमें ज्वाइन करके अगर ये शिक्षा ले रही है ना तो हाईली एक स्टार बन गया समझो सर। कंपलसरी सर, इसमें डाउट नहीं है, डाउट नहीं है। जिसमें लोग को लेना चाहते बोले तो भी डाउट नहीं है सर, इसको एक क्लियर है हमारा फैमिली को, तो आप तो भगवान मिले समझो सर। ओके, तो यही मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज सभी बच्चों के पास जाए, और मेरा मिशन भी है सर 10 लाख बच्चों को मुझे ये चीजें सिखानी है, क्योंकि कोई नई चीज होती है हम उसको चीजों को ऐसे सोच के कि नहीं ये झूठ है बकवास है और ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम पीछे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे ना। नहीं, 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 अगर आपने भी डाउट लिया होता क्या पता ये सच या झूठ है, कोर्स अगर उस दिन हम पीछे एक कदम पीछे डाले तो अपने लिए पूरा लास्ट बनता था सर, मेरे बेटे के लिए तो लास्ट होता था। वो आगे आगे बढ़कर मेरा बेटा क्या तो बने ना बने, ये कोर्स लेने के बाद हम तो बहुत पूरा एंटायर फैमिली बहुत खुश है सर। ऋतिक ये बताओ सेशंस कैसे लगे, वीडियो हाउ वाज द वीडियो सेशन, कैसा लगा आपको, यानी वीडियो कोर्स कैसा था पूरा? थर्टी डेज का अच्छा लगा, मजा आया आपको पूरा? यानी जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था सर, मैं खुद के बारे में बताऊ, ये मैंने बनाया ना, यानी वीडियो एडिटिंग पूरा वो सभी जो बोलना क्या है वीडियोस में वो मैंने बनाया, मैंने मेरा पहला वीडियो देखा था, डे वन का देखा था, मैं जब वीडियो देखा मैंने खुद कहा वाह क्या योगेश बनाया तूने, यानी इतना खूबसूरत वो मुझे लगा था। यानी मैं एक चीज सुनी थी स्टीव जॉब के बारे में कि स्टीव जॉब है ना एप्पल मोबाइल के फाउंडर है सर, ओके, उनका वो उनका बिजनेस है एप्पल का, वो कहते थे कि हर चीज हम बिजनेस में आते हैं या बिजनेस करते हैं कुछ भी बनाते हैं ना वो पहले हमें अच्छा लगना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए, वो वाव का मोमेंट हमें पहले आना चाहिए। और वो जब अभी भी मैं वीडियो मेरे देखता हूँ ना 30 डेज के, मैं देखता हूँ कि ये क्या बनाया है, कितना जबरदस्त बन गया है,
ओके, वो बनने के पीछे भी कुछ तो भी एनर्जी का काम था वो जो मुझे, और काफी हमने मेहनत भी लिया था, रात को मैं 2-2, 2:30 बजे एडिटिंग वगैरह एक सभी चीजें करता था, तो वो सभी मेहनत आज मुझे दिख रही है, या फिर इतने सारे स्टूडेंट आज जुड़ गए हैं, तो बहुत ही सुंदर सा ये वीडियो कोर्स है, और बच्चों को, हर एक बच्चों को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए हमने मनी बैक गारंटी दिया था सर, आपको याद होगा हमने ये प्रोग्राम को मनी बैक गारंटी दिया है। हमारा हिंदुस्तान का हर एक बच्चे बच्चे को ये डालना चाहिए, यस यस यस, बोले तो अपना इंडिया बिल्कुल एक साल दो साल में बहुत इम्प्रूव होगा सर, बहुत इम्प्रूव, हर एक बच्चे को डालना चाहिए सर, यस यस यस, हर एक बच्चे को डालना चाहिए, डालने के बाद कुछ हम लोग कुछ खाए तो उसका स्वाद पता चलेगा, यस यस, तब तक नहीं पता चलेगा, ऊपर ऊपर नहीं पता चलेगा, करना करने के बाद वो लोग आपको रिटर्न बहुत हैप्पी से थैंक यू बोलना चाहूंगा, यस 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 डेफिनेटली, यही मैं चाहता हूँ कि इसे बेनिफिट मिले, हैप्पी बने बच्चों की लाइफ और एक बड़े लेवल पे हो जाए, कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं, झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले, मुट्ठियां का खींच गए सांसों का खींच गए, मुट्ठियां का खींच गए सांसों का खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर जाने को